Assalamu alaikum. I am here to teach you physics class 9th. Chapter number 2 kinematics. Topic hai hamare paas 2.2 types of motion. There are 3 types of motion, that is translatory motion, rotatory motion and vibratory motion. So translatory motion ko aage 3 types mein divide kiya gaya hai. That is linear motion, circular motion and random motion. So first of all hum discuss karte hain translatory motion. In translational motion, a body moves along a line without any rotation. The line may be straight or curved. Ek body jo ke straight line mein move kar rahi ho, वो स्ट्रेट जो लाइन है वो स्ट्रेट भी हो सकती है या फिर कर्व भी हो सकती है, लेकिन वो लाइन जो है, कोई बॉडी उस लाइन में अगर मूव कर रही हो तो उसे हम कहते हैं कि उसका जो मोशन है डेट इज़ ट्रांसलेशनल मोशन. इसको एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं. एग्जांपल है हमारे पास अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइक ए कार मूव कर रही है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, तो हम कहेंगे कि इसका ट्रांसलेशनल मोशन है. एन एरोप्लेन मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. अब एक एरोप्लेन है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो इसका भी क्या है, एक्सेलरेशनल मोशन है. मोशन ऑफ फेरिस व्हील. अब आप देख सकते हैं कि जो फेरिस व्हील है ये भी एक कर्व्ड लाइन में मूव कर रहा है, सो डैट मीन इसका भी ट्रांसलेशनल मोशन है. ठीक है, लाइन जो है वो या तो स्ट्रेट हो सकती है या फिर कर्व्ड हो सकती है. अब कार भी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और एरोप्लेन भी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो इन दोनों का भी क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन है. और जो फेरिस व्हील है वो अब कर्व्ड शेप में, कर्व्ड लाइन में मूव कर रही है, तो फेरिस व्हील का भी क्या है, एक ट्रांसलेशनल मोशन है. बट रिमेंबर कि वो बॉडी लाइन में तो मूव करे बट विदाउट एनी रोटेशन. सो जो रोटेशन है वो वहाँ पर नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं डैट इज़ ट्रांसलेशनल मोशन. सो ट्रांसलेशनल मोशन को फर्दर डिवाइड कर दिया गया था 3 टाइप्स में, डैट इज़ लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन. तो इसको फर्दर डिस्कस करते हैं कि इसको 3 टाइप्स में किस तरह से डिवाइड किया गया. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लीनियर मोशन को डिस्कस करते हैं. स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नाउन एज इट्स लीनियर मोशन. सो मैंने आपसे कहा कि ट्रांसलेशनल मोशन कौन सा है जिसमें एक बॉडी लाइन में मूव करती है. अब वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है या फिर कर्व भी हो सकती है. फिर हमारे पास आता है रैंडम मोशन, द डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन. डिसऑर्डर्ड मीन्स कि उसका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर ना हो, कोई इरेगुलर सा मोशन हो, तो उसे हम कहते हैं इट इज़ द रैंडम मोशन. एग्जाम्पल अगर हम डिस्कस करें कि हमारे पास जो बर्ड्स और इंसेक्ट्स होते हैं, मोशन ऑफ इंसेक्ट्स और बर्ड्स, आपको पता है कि ये बर्ड्स और इंसेक्ट्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, उनका जो मोशन है उसे हम कहेंगे रैंडम मोशन. सिमिलरली द मोशन ऑफ डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स, के एयर में जो डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स होते हैं उनका भी रैंडम मोशन होता है, वो भी रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, किसी भी स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं करते या किसी भी सर्कुलर पाथ को फॉलो नहीं करते, वो भी क्या है, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, तो हम कहेंगे कि इनका भी रैंडम मोशन होता है. नेक्स्ट हमारे पास है सर्कुलर मोशन. द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नाउन एज सर्कुलर मोशन. एक ऑब्जेक्ट का मोशन अगर सर्कुलर पाथ में, ठीक है, एक सर्कल है
सर्कल में जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है तो उसका मोशन क्या है, सर्कुलर पाथ में है तो उसे हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कल में तो उसे हम कहेंगे कि इसका सर्कुलर मोशन है। इसी तरह कुछ एग्जांपल है हमारे पास, अ स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग मूव्स इन अ सर्कल, कि एक स्टोन है, आपने एक स्टोन को टाइट कर दिया तो आपने उस स्ट्रिंग को जब सर्कल में मूव करते हैं उस स्ट्रिंग को, तो अब यहाँ पर जो स्टोन का मोशन होगा ये सर्कुलर मोशन होगा बिकॉज ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। टॉय ट्रेन मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक, आप अक्सर पार्कों में देखते हैं कि टॉय ट्रेन जो हो, ये एक जो टॉय ट्रेन है वो क्या है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। सो यहाँ पर जो ट्रेन का मोशन होगा तो वो भी हम कहेंगे कि सर्कुलर मोशन में है। एंड सिमिलरली मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड सन, कि अर्थ सन के अराउंड एक सर्कल सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसे भी हम कहेंगे कि ये भी सर्कुलर मोशन है। इसी तरह अगर हम देखें कि मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, के मून जो है वो भी अर्थ के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसे भी हम कहेंगे कि ये भी सर्कुलर मोशन है। क्लियर। फिर हमारे पास आता है रैंडम मोशन, द डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। डिसऑर्डर्ड मीन्स कि उसका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर ना हो, कोई इरेगुलर सा मोशन हो तो उसे हम कहते हैं इट इज़ द रैंडम मोशन। एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें कि हमारे पास जो बर्ड्स और इंसेक्ट्स होते हैं, मोशन ऑफ इंसेक्ट्स और बर्ड्स, आपको पता है कि ये बर्ड्स और इंसेक्ट्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, उनका जो मोशन है उसे हम कहेंगे रैंडम मोशन। सिमिलरली द मोशन ऑफ डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स, के एयर में जो डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स होते हैं उनका भी रैंडम मोशन होता है, वो भी रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, किसी भी स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं करते या किसी भी सर्कुलर पाथ को फॉलो नहीं करते, वो भी क्या है, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, तो हम कहेंगे कि इनका भी रैंडम मोशन होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट हम इसकी सेकंड टाइप को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास रोटेटरी मोशन है, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।